ਏ ਬੰਨ ਕੇ ਬੰਡਾਨੇ ਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰ ਪੱਟ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਦੇ Hey guys, this is Rohit and you are watching Edits by Rohit. Today we will edit the thunder lighting on the reels. So here we will need the Loopsie app, which will link in the description. So we will open the Loopsie app here. Then we will get a lot of effects here. So we will select the second effect from here. So we will select the second effect from here. Then we will click create new here. After that, we will click the 3D photo here and begin. और यहाँ से हमने जिस फोटो पर वीडियो बनाएंगे उस फोटो को यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे तो हम यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं अब ये थोड़ा वक्त लोडिंग होगा फिर ये रेडी हो जाएगा तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तो यहाँ पर ये लोड हो गया अब हमें इसे सेव करने के लिए जो डाउनलोड का आइकन है उस पर क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा अब हमें इस ऐप को बंद कर देना है फिर हमें यहाँ पर जो VN ऐप है इसको ओपन कर लेना है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो हमने इसे ऐप को ओपन कर लिया अब हमें जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करना है फिर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ से हमने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वीडियो आ गया अब हम यहाँ पर जो इसका वीडियो रेशियो है इसको यहाँ पर हम 9:16 कर देंगे अब यहाँ पर जो वाटरमार्क है इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे यहाँ पर जो थंडर का इफेक्ट है उसको ऐड करना है इसके लिए हमें वीडियो का ऊपर पर जो इमेज का आइकन है उस पर क्लिक करना है यहाँ पर वीडियो और फोटो ऑप्शन आ गया अब हम यहाँ से जो थंडर वाला इफेक्ट है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे फिर यहाँ पर हमें इसको रिसाइज कर लेना है और वीडियो को साथ मैच कर देना है फिर हमें यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन है उसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन अब इस पर क्लिक करके हम इसको स्क्रीन कर देंगे और इसका ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर हमें म्यूज़िक ऐड करना है इसके लिए हमें म्यूज़िक का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करके हमने एक वीडियो डाउनलोड किया था उस वीडियो से सॉन्ग को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये सॉन्ग आ गया अब हमें इसको ओके करके यहाँ पर सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट कर देंगे फिर चूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सॉन्ग आ गया अब हमें जो राइट मार्क है उस पर क्लिक करके सॉन्ग को ऐड कर देना है तो यहाँ पर ये सॉन्ग अब मैच हो गया लेकिन यहाँ पर थोड़ा वीडियो का रेशो ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा कट करके जो सॉन्ग के साथ मैच कर देंगे यहाँ पर तो वीडियो रेडी हो जाएगा अब हम इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पर कि ये कैसे बना है तो फिर अब हम यहाँ पर जो ऊपर का साइड पर एक्सपोर्ट लिखा है उस पर क्लिक करके वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा अब उस पर और एक फ़िल्टर लगाने के लिए हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाना है तो यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया अब हमें यहाँ पर जो रील का ऑप्शन मिलेगा उस रील का ऑप्शन पर जाना है फिर हमें यहाँ पर जो कैमरा का आइकन दिखेगा उस कैमरा का आइकन पर क्लिक करना है फिर यहाँ से हमको यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर देना है तो हमने यहाँ पर कैमरा का आइकन पर क्लिक कर लिया अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा मीडिया का उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो वीडियो हमने रेडी किया था उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये रहा वो वीडियो अब हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमें एक फ़िल्टर को यूज़ करना है तो यहाँ पर ये आ गया अब हम जो फ़िल्टर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये फ़िल्टर को ऐड कर देंगे जिसका नाम है मूडी 1.0 तो आप उसको सर्च करके यहाँ पर सेव करके फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम ये वीडियो को यहाँ से सेव कर लेंगे तो अब ये पूरा रेडी हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग